नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो अपना हो जाता है बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए हो जाता है अपना कौन सा होम साइंस का गृह विज्ञान का रहने वाला है फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पर हो जाएगा आहार एवं पोषण के आधारभूत तथा मानव विकास के संबंधित। यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 100% यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, 100% यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो सारे के सारे बहुत अच्छे प्रकार से क्वेश्चनों को देखिएगा। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, तो बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चनों की ओर। तो फटाफट फर्स्ट यूनिट आपके सामने आ चुकी है, फर्स्ट यूनिट जो है आपके सामने आ चुकी है। फर्स्ट यूनिट में देखिएगा आंसर यहां पर क्या रहने वाले हैं, फर्स्ट यूनिट में आंसर यहां पर देखिएगा क्या रहने वाले हैं। तो देखते हैं भी क्वेश्चन नंबर वन के लिए, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर क्या होगा। यूनिट नंबर वन कौन सी भाई, यूनिट नंबर वन हमारी स्टार्ट हो जाती है फर्स्ट क्वेश्चन को। फटाफट देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या रहने वाला है। ग्रह विज्ञान किस क्षेत्र में आता है, जो ग्रह विज्ञान है वह किस क्षेत्र में आता है, विज्ञान कला या फिर हो जाता है विज्ञान तथा कला दोनों, या फिर हो जाता है किसी श्रेणी में नहीं आता। तो आपको पता है किस में हो जाएगी भाई, ग्रह विज्ञान जो आता है विज्ञान तथा कला दोनों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है, ग्रह विज्ञान का जो अध्ययन क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा, आहार एवं पोषण, आय व्यय की व्यवस्था, वस्त्र एवं परिधान, संपूर्ण ग्रह व्यवस्था। तो यहां पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ग्रह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा संपूर्ण ग्रह व्यवस्था रहने वाला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होगा। देखा है ग्रह विज्ञान का क्षेत्र होता है, ग्रह विज्ञान का क्षेत्र कौन सा होता है, सीमित होता है, व्यापक या व्यावहारिक या फिर हो जाता है अव्यावहारिक। तो राइट आंसर यहां पर क्या रहने वाला है, तो जो ग्रह विज्ञान का क्षेत्र होता है वो कैसा होता है भाई, व्यापक क्षेत्र होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। नेक्स्ट को देखिएगा, ग्रह विज्ञान का क्या महत्व है, ग्रह विज्ञान का महत्व क्या है आपको बताना है, सैद्धांतिक या फिर केवल व्यावहारिक, सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दोनों या फिर कोई महत्व नहीं। तो यहां पर राइट बताना है कौन सा हो जाएगा, तो ग्रह विज्ञान का जो महत्व होता है वह क्या महत्व होता है, क्या हो जाएगा, सैद्धांतिक हो जाएगा और व्यावहारिक हो जाएगा। तो यहां पर दोनों बिल्कुल राइट रहने वाला है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव को देखना है, ग्रह विज्ञान महत्वपूर्ण है, ग्रह विज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है आपको बताना है, केवल बालिकाओं के लिए महत्वपूर्ण है, केवल गृहिणियों के लिए, परिवार के सभी सदस्यों के लिए, केवल ग्रह विज्ञान का अध्ययन करने वाली लड़कियों के लिए। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा राइट, तो ग्रह विज्ञान का महत्व किसके लिए होता है भाई, परिवार के सभी सदस्यों के लिए होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है ग्रह विज्ञान के महत्व बताइए, तो ग्रह विज्ञान के कौन कौन से महत्व होते हैं, तो ग्रह विज्ञान के तत्व निम्नलिखित हैं। ठीक है, तत्व कौन से होते हैं, निम्नलिखित हो जाते हैं, पहला हो जाता है योजना बनाना, नियंत्रण करना और मूल्यांकन करना। तो ग्रह विज्ञान के तत्व कौन कौन से हो जाएंगे भाई, योजना बनाना, नियंत्रण करना और मूल्यांकन करना। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है, जो सदाबहार क्रांति हो जाएगी वह किससे संबंधित होती है, तो सदाबहार क्रांति गेहूं की उच्च उपज से संबंधित हो जाती है। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है, तो सदाबहार क्रांति जो है वो गेहूं की उच्च उपज से संबंधित हो जाती है। आगे देखते हैं, रखा है हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो हरित क्रांति के जनक कौन हो जाते हैं, हरित क्रांति के जनक हो जाते हैं एस एम स्वामीनाथन जी हो जाते हैं। कौन हो जाएंगे, एम स्वामीनाथन जी हो जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हरित क्रांति के जनक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है राष्ट्रीय पोषण संस्थान के निदेशक के रूप में किसने कार्य किया है, यहां पर आपको बताना है राष्ट्रीय पोषण संस्थान के निदेशक के रूप में किसने कार्य किया है, तो किसने कार्य किया है हो जाते हैं सी गोपालन, कौन सी गोपालन ने, सी गोपालन ने राष्ट्रीय पोषण संस्थान के निर्देश के रूप में कार्य किया है, एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, करते हैं आगे देखा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम को किसने प्रस्तुत किया, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था उसको किसने प्रोत्साहित किया था आपको यहां पर बताना है। तो पहला हो जाएगा एसके, सॉरी पहला क्या राइट आंसर ही हो जाएगा अपना कौन सा, एसके डे ने, किसके, एसके डे ने समुदाय विकास कार्यक्रम को प्रोत्साहन किया था। तो राइट आंसर को हो जाएगा एसके जी, यहां पर हो जाएंगे एसके डे ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, याद रखा है गीतांजलि के रचयिता कौन है, तो गीतांजलि रचयिता कौन जाएंगे भाई, रविंद्रनाथ टैगोर यहां पर हो जाएंगे, कौन जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर यहां पर हो जाएंगे, और रखा है यहां पर गीतांजलि के रचयिता थे। ठीक है, आगे देखते हैं, आप देखते हैं यूनिट नंबर सेकंड की ओर, यूनिट नंबर सेकंड क्या कह रहा है, मानव शरीर की सूचनम इकाई को क्या कहते हैं, मानव शरीर की जो सूचनम इकाई होती है उसे क्या कहते हैं, कोशिका, उत्तम, उत्तम नहीं होगा यहां पर, उत्तक होगा, ठीक है, उत्तक या अंग
याद रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा? मानव शरीर की सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? हमारा शरीर जो होता है वो किन इकाइयों से बना होता है? तो भाई हमारा शरीर जो होता है कोशिकाओं से बना होता है, तो इसीलिए सूक्ष्मतम इकाई किन्हें कहेंगे? कोशिका को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ रखा है कोशिका की खोज किसने की थी? यहाँ पर आपको बताना है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, या फिर होता है तुम्हारा स्लाइडन एवं स्वान ने। तो कोशिका की खोज किसने की थी? तो वह हो जाते हैं भाई रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्रोमोसोम्स एवं जिम्स पाए जाते हैं कहाँ? पाए जाते हैं जीव द्रव्य में, केंद्रक में, माइट्रोकॉन्ड्रिया में, या फिर लबक में। देखा है क्रोमोसोम्स एवं जीन्स पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाएंगे? क्रोमोसोम्स जो होते हैं गुणसूत्र जो होते हैं, और जो जीन्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं भाई? केंद्रक में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रत्येक मानव कोशिका में कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं? प्रत्येक मानव कोशिका में कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, यहां पर आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा? क्रोमोसोम्स कितने जोड़ी होते हैं? ठीक है, तो भाई कितना हो जाएगा? 22 × 44 और 23 × 26। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी आ हो जाएगा, 23 जोड़ी। ठीक है, कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। क्रोमोसोम्स कह सकते हैं या गुणसूत्र भी इन्हें कह सकते हैं। तो कितना हो जाएगा भाई? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। आगे बढ़ते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र में भाग है, सॉरी रक्त परिसंचरण तंत्र के भाग हैं कौन सा है? आपको बताना है हृदय, धमनी, सिराएं, या फिर उपयुक्त सभी। तो रक्त परिसंचरण में क्या होता है? हृदय तो भाग लेता है, धमनियों के द्वारा शुद्ध रक्त जाता है, सिराओं के द्वारा अशुद्ध रक्त आता है। तो सारी की सारी क्या है? बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो उपयुक्त सभी यहां पर रक्त परिसंचरण तंत्र के भाग हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हृदय चारों ओर से किससे घिरा होता है? पेरिकार्डियम से, मायोकार्डियम से, एंडोकार्डियम से, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हो जाएगा कौन सा राइट? तो हृदय चारों ओर किससे घिरा होता है? वो पेरिकार्डियम से घिरा होता है। किससे? पेरिकार्डियम से घिरा होता है, जो कि हमारे हृदय की रक्षा करती है। आगे बढ़ते हैं, देखा है हृदय का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, इनमें से कोई नहीं। हृदय का जो आंतरिक भाग होता है उसे क्या कहते हैं भाई? एंडोकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सात। बाहरी आवरण हो गया पेरिकार्डियम, अंदरी आवरण हो गया एंडोकार्डियम। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा मनुष्य का हृदय कितने भागों में विभाजित रहता है? 4, 3, 2 या फिर 1। तो मनुष्य का जो हृदय होता है वो कितने भागों में विभाजित रहता है? तो हो जाता है भाई 4, है ना। 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो रक्त वाहिनियां शुद्ध रक्त ले आती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो रक्त वाहिनियां शुद्ध रक्त ले जाती हैं, यहां से ले जाएंगी ब्लड से कहां के लिए? कोशिकाओं के लिए। जो रक्त वाहिनियां शुद्ध रक्त ले जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? धमनी, सिराएं, कोशिकाएं, रक्त वाहिनियां। तो यहां पर हो जाएगा कौन सा राइट? तो उन्हें क्या कहेंगे? धमनियां जो होती हैं शुद्ध रक्त ले जाती हैं। तो यहां पर भी पूछ रहा है शुद्ध रक्त कौन ले जाता है? तो भी धमनियां ले जाएंगी। अशुद्ध रक्त कौन लेकर आता है? तो सिराएं लेकर आती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो रक्त वाहिनियां अशुद्ध रक्त ले जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो अभी हमने क्या पढ़ा था? उन्हें कहते हैं भाई सिराएं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? 6 लीटर, 5 लीटर, 4 लीटर या फिर 3 लीटर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? 6 लीटर रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रक्त में तरल भाग को क्या कहते हैं? रक्त में जो तरल भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा, RBC, WBC, तो उसे क्या कहा जाता है? रक्त में क्या होता है जब हम ब्लड चेक करवाते हैं तो उसमें क्या होता है? ब्लड को राउंड किया जाता है और क्या निकल आता है? प्लाज्मा निकल जाता है। ठीक है, क्या निकल आता है? प्लाज्मा अलग कर जाता है और बाकी जो तत्व होते हैं वो उसके अंदर बैठ जाते हैं, जम जाते हैं। तो रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं भाई? प्लाज्मा कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, याद रखा है प्लाज्मा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन मिलता है? प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन मिलता है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन
या फिर दे रखा है फाइब्रोनोजन या ये सभी, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट। देखो बात करते हैं प्लाज्मा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन मिलता है, तो ब्लड है तो इसमें सभी प्रोटीन यहाँ पर मिलेंगे, एल्ब्यूमिन भी मिलेगा, ग्लोब्यूलिन भी मिलेगा और अपना फाइब्रिनोजन मिलता है जो कि रक्त के थक्के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फाइब्रिनोजन, और राइट आंसर क्या हो जाएगा ये सभी यहाँ पर रहने वाला है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं मतलब आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, प्लीहा में, हृदय में या फिर फेफड़े में। तो आरबीसी का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा के अंतर्गत होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कह रहा है सर्वदाता रक्त वर्ग है, सर्वदाता रक्त वर्ग कौन सा है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा हो जाएगा, सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा सर्वदाता, जो सबको दे सकता है मगर सबसे ले नहीं सकता, ठीक है, तो वह कौन हो जाएगा भाई, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ जो हो जाएगा ना, ओ जो हो जाएगा वो सर्वदाता होता है, और सर्वग्राही कौन होता है, सर्वग्राही है ना, और ग्राही कौन हो जाएगा, ग्राही हो जाएगा अपना ए बी, ये सबसे ले सकता है मगर दे नहीं सकता, मगर ये सबको दे सकता है मगर ले नहीं सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, कह रहा है सर्वग्राही रक्त वर्ग है, सर्वग्राही रक्त वर्ग कौन सा है, यहां पर आपको बताना है सर्वग्राही रक्त वर्ग कौन सा हो जाएगा, तो अभी हमने कौन सा देखा, कौन ले सकता है, तो भाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ए और बी ले सकते हैं, ये हो जाएगा दाता, सबको दे सकता है। आगे देखते हैं, देखा टाइलिन नामक, टाइलिन नामक है पटेलिन, अच्छा कोई बात नहीं, टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ मिलता है, जो टाइलिन नामक एंजाइम है वो कहाँ मिलेगा, अमाशय में, लार में, हृदय में या फिर यकृत में, तो टाइलिन कहाँ होता है, हमारे लार में पाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि हो जाएगी वह कौन सी हो जाएगी, कर्णपूर्व ग्रंथि, अधोजिहा ग्रंथि, अधोजन्म ग्रंथि या फिर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है जो हमारे कान के पास पाई जाती है, कर्णपूर्व ग्रंथि हो जाएगी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आगे देखते हैं निम्न में से कितनी जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं, यह भी क्वेश्चन बनता है, तो तीन जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एंजाइम अमाशय में मिलता है, तो अमाशय में कौन सा एंजाइम मिलता है, रेनिन, पेप्सिन या फिर लाइपेज, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा राइट, बिल्कुल कौन सा हो जाएगा राइट, फिर रेनिन मिलता है, पेप्सिन मिलता है, लाइपेज मिलता है या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई भी यहां पर नहीं मिलता है, कोई भी यहां पर नहीं मिलता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, क्योंकि अमाशय से क्या निकलता है, एचसीएन निकलता है और अमाशय रस निकलते हैं, जिससे क्या होता है भोजन बस सिर्फ डाइजेस्ट होता है, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ता है, फिर कहीं जाकर क्या निकलते हैं, ये सभी निकलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट दे रखा है तुम्हारा अमाशय से, अमाशय में मिलता है ना, कौन सा एंजाइम अमाशय मिलता है, तो HCl मिलता है, HCl अमाशय में क्या करता है, गलाता है, तो ये सारे एंजाइम यहाँ पर नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दे रखा है तुम्हारा औसतन एक स्वस्थ व्यक्ति एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है, औसतन एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है, आपको बताना है 17 से 18 सांस लेता है ना, हाँ सांस लेता है, दे रखा है तुम्हारा 10 से 11 या 28 से 30 55 से 60, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा राइट, तो औसतन एक स्वस्थ व्यक्ति एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है, 17 से 18 बार सांस लेता है, कितनी 17 से 18 बार सांस लेता है, याद कैसे करेंगे, यहाँ पर भी 7 में 7 से 7 बन जाएगा ना, तो यहाँ पर 7 बन जाएगा, इस प्रकार से याद हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, वातावरण में उपस्थित वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है, तो वायु में जो ऑक्सीजन होता है वो कितने प्रतिशत होता है, यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर 21% नहीं रखा है, तो मगर होता कितना है 20.98% होता है, कितना 20.98% के करीब में होता है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है ऑक्सीजन। और नाइट्रोजन कितनी होती है 78.89% के करीब में होती है नाइट्रोजन, और हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होती है, कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन सा श्वसन तंत्र का कार्य है, तो श्वसन तंत्र का कार्य कौन सा है, मानव जीवन के अस्तित्व को बनाए रखना या फिर रक्त में गैसों का अनुपात बनाए रखना, शरीर में ताप को नियंत्रित रखना, उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा बिल्कुल राइट।
तो जो श्वसन तंत्र जो होता है, निम्नलिखित निम्न में से कौन सा श्वसन तंत्र का कार्य है? तो मानव जीवन के लिए अस्तित्व को बनाए रखना, बिल्कुल सही है। अगर सांस नहीं लेगा तो जीवित नहीं रहेगा। फिर देखा है रक्त में सांसों के रक्त में गैसों के अनुपात को बनाए रखना, बिल्कुल सही है। CO2 को लाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना, शरीर में ताप को नियंत्रित करना, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। ये सभी यहाँ पर रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्वसन क्रिया में प्रमुख अंग है। श्वसन क्रिया में प्रमुख अंग कौन से हो जाएंगे? नासा, गुहा, ग्रसनी, स्वरतंत्र और हो जाएगा ये सभी। तो बिल्कुल सही है, नासा गुहा देखने को मिलती है नासा छिद्र के बाद में, ग्रसनी देखने को मिलती है गले के पास में, और स्वरतंत्र स्वरयंत्र भी देखने को मिलते हैं ना, स्वरयंत्र गले के पास में होता है, और यहां पर हो जाएगा ये सभी। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भाई ये सभी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। देखा है पाचन के पश्चात भोजन का अवशोषण किसमें होता है? पाचन के पश्चात भोजन का जो अवशोषण होता है वो किसमें होता है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में, पित्ताशय में, या फिर गृहिणी में? तो भोजन का अवशोषण जो स्टार्ट हो जाता है वो कहां हो जाएगा भाई? अपनी छोटी आंत में स्टार्ट हो जाता है। तो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, याद रखा है भोजन के अमाशय में पहुंचने से पहले जो जठर ग्रंथियां रस उत्पन्न करने लगती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पित्तरस होती हैं। देखो भोजन के अमाशय में पहुंचने से पहले जठर ग्रंथियां रस उत्पन्न करने लगती हैं वह कौन सी होती हैं? जठर रस होगा या फिर पेप्सिन, टाइलिन, या फिर पित्तरस? तो पित्तरस तो होता ही नहीं है यहां पर, तो अमाशय से पहले पित्तरस कहां जाएगा? वो तो बाद में आएगा, है ना। तो यहां पर कौन सा होगा भाई? पित्तरस तो होगा नहीं, पेप्सिन भी नीचे जाएगा, और टाइलिन, टाइलिन तो लार्मी मिल जाता है। तो कह रहा है जठर ग्रंथियां निकालती हैं, जठर ग्रंथियां कौन सी निकालेंगी भाई? जठर ग्रंथियां जठर रस ही निकालेंगी। जठर ग्रंथियां क्या निकालती हैं? जठर रस निकालती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है श्वेत रक्त कणिकाएं डैश के नाम से जानी जाती हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं को WBC को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है WBC के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखा है तुम्हारा RBC का पूरा नाम क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। कणिकाएं मतलब क्या हो जाएगा? कार्पोसेल्स, ठीक है, कार्पोसेल्स हो जाएंगी। मतलब RBC का पूरा नाम क्या होता है? RBC है ना, WBC RBC। तो यहाँ पर RBC पूछ रखा है, लाल रक्त कणिकाएं मतलब क्या हो जाएगा? रेड ब्लस कार्पोसेल्स है ना, कार्पोसेल्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 20। देखा है क्रोमोसोम्स के प्रत्येक कोशिका में डैश जोड़े होते हैं। क्रोमोसोम्स के प्रत्येक कोशिका में डैश जोड़े होते हैं, तो इससे पहले हमने देखा था। तो यहां पर हो जाएगा 23 जोड़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। यहां देखा है कोशिकाओं के समूह को डैश कहते हैं। कोशिकाओं का समूह मिलाकर क्या बनाता है? एक उत्तक बनाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तक। आगे बढ़ते हैं, देखा है शुद्ध रक्त को ले जाने वाली वाहिकाएं डैश कहलाती हैं। शुद्ध रक्त को जो ले जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? धमनी। और जो लेकर आती हैं शुद्ध रक्त को उन्हें क्या कहते हैं? सिराएं। आगे देखा है हृदय की मध्य परत को डैश कहते हैं। हृदय की जो मध्य परत होती है उसे क्या कहते हैं? मायोकार्डियम कहते हैं ना, मायोकार्डियम यहां पर कहते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है मनुष्य का हृदय प्रति मिनट में 10 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार तो आपने सुनाई होगा। अब न्यूनतम की बात करेगा तो 70 से 72 बार धड़कता है, ठीक है, न्यूनतम की बात करेगा तो, और अधिकतम की बात करेगा तो 72 से 80 बार। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। देखा है जब रक्त दाब बढ़ता है, जब रक्त दाब बढ़ता है तो उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? जब रक्त दाब बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप कहते हैं ना। क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप कहते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है डैश रक्त परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग है। डैश रक्त परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग है वो कौन सा है? हृदय जो है वो रक्त परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग हो जाता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि डैश होती है। क्या होती है? तो सबको पता है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है भाई? यकृत ग्रंथि होती है। आगे दे रखा है तुम्हारा मिश्रित ग्रंथि कौन सी हो जाती है? अग्न्याशय हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अग्न्याशय से डैश नामक हार्मोन्स स्थापित होता है। तो अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन्स स्थापित होता है ये आपको बताना था। तो अग्न्याशय से कौन से होता है? अग्न्याशय की लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से। किससे? बीटा कोशिकाओं से। बीटा कोशिकाओं से कौन सा निकलता है? एक इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है। इसकी अगर कमी हो जाती है, इसकी अगर कमी हो जाती है तो जो भोजन में हम क्या लेते हैं? ग्लूकोज लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? ग्लूकोज लेते हैं। ये कहाँ जाता है? हमारे रक्त में जाता है, ठीक है। और रक्त को, रक्त के अंदर ग्लूकोज को ज्यादा मात्रा ग्लूकोज की हो जाती है तो यही इंसुलिन इसका क्या करता है? नियंत्रण करता है। और ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। किसके? ग्लाइकोजन में, है ना, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और जब कभी
हमारे शरीर को ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। तो यही ग्लाइकोजन किसमें एक हार्मोन्स होता है इससे निकलता है और ठीक है होता गास ही उसका नाम है, उसके अनुसार ये पुनः किसमें हो जाता है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। आगे बढ़ते हैं, दूध पर क्रिया करने वाला पाचक रस डैश है कौन सा है? तो दूध को दही में परिवर्तित कौन करता है? ये रेनिन नामक करता है। कौन? रेनिन नामक करता है। यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर रेनिन। आगे देखते हैं, शुद्ध वायु को ग्रहण करने की क्रिया डैश कहलाती है। शुद्ध वायु को ग्रहण करने की क्रिया डैश कहलाती है, क्या कहलाती है भाई? प्रश्वसन कहलाती है। क्या? प्रश्वसन कहलाती है। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है शुद्ध वायु में ऑक्सीजन गैस डैश होती है, कितने परसेंट होती है? तो हमने बताया था कितना होता है, 20.58% के करीब में हो जाएगी। इसे 21 भी कभी कभी देखने को मिल जाता है, तो आप 20 की ओर जाइएगा। आगे देखते हैं, याद रखा है अशुद्ध वायु में ऑक्सीजन गैस डैश होती है। अशुद्ध वायु में ऑक्सीजन डैश ऑक्सीजन गैस कितनी होती है? यहाँ पर देखा था शुद्ध वायु में कितनी होती है, 20%। अगर अशुद्ध वायु की देखी जाए तो ऑक्सीजन कितनी होती है, 16% होती है। कितनी? 16% होती है, 4% घट जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वर यंत्र के ऊपर उभरे हुए भाग को डैश कहते हैं। जो स्वर यंत्र होता है उसके ऊपर उभरे हुए भाग को क्या कहा जाता है, आपको बताना है, उसे क्या कहते हैं भाई? थायराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थायराइड ग्रंथि होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, स्वर यंत्र के ऊपर उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? थायराइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखा है तुम्हारा, एक स्वस्थ व्यक्ति एक मिनट में डैश श्वसन लेता है, कितना लेता है? तो अभी हमने देखा था कितनी बार भाई, 17 से 18 बार लेता है। राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर यूनिट नंबर थर्ड को देखते हैं, यूनिट नंबर थर्ड के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, कुपोषण का उपचार संभव है। कुपोषण का उपचार संभव है, कैसा है? संतुलन आहार द्वारा, ऊर्जा उत्पादन पदार्थ द्वारा, फिर दे रखा है तुम्हारा कि गरिष्ठ भोज्य पदार्थ द्वारा या फिर बसा वाले भोज्य पदार्थ द्वारा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट, यहां पर कौन सा हो जाएगा राइट? सभी लोग ध्यान से सोचकर आंसर यहां पर देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने किस में देखा था, फूड न्यूट्रिशन और हाइजिंग वाले क्वेश्चन में इसे हमने देख रखा है। तो कुपोषण का जो उपचार होता है वो कैसे होता है? संतुलित आहार द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कुपोषण के द्वारा क्या उत्तरदायी है? कुपोषण के लिए कुपोषण के लिए क्या उत्तरदायी है? निर्धनता, मिलावट, अशिक्षा या फिर ये सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा राइट? देखो, निर्धनता हो जाएगी, बिल्कुल सही, मिलावट भी देखने को मिलती है और अशिक्षा भी हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। कुपोषण किस लिए हो सकता है भाई? निर्धनता होगी तो खाना सही नहीं मिलेगा, मिलावट होगी तो खाना अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है, दिक्कत होगी, और अशिक्षा भी हो सकती है। बात करते हैं आगे, दूध अंडा मांस में क्या पाया जाता है? दूध अंडा मांस में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, कार्बोज, खनिज लवण या फिर विटामिन। तो यहां पर हो जाएगा कौन सा राइट? तो दूध अंडा और मांस में क्या पाया जाएगा भाई? प्रोटीन पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऊर्जा देने वाला प्रमुख भोज्य तत्व है। ऊर्जा देने वाला मुख्य भोज तत्व कौन सा हो जाएगा? खनिज तत्व, जल, विटामिन तथा कार्बोहाइड्रेट। तो कौन सा हो जाएगा ऊर्जा देने वाला मुख्य भोज्य पदार्थ कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा भाई, ऊर्जा कौन देगा हमें? सबसे ज्यादा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, BMR बढ़ जाता है। जो BMR होता है वो बढ़ जाता है किससे, किसमें BMR बढ़ जाता है? अच्छा, किसमें बढ़ जाता है? गर्भावस्था में, बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में या फिर किशोर अवस्था में। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा राइट? जो BMR होता है वो बढ़ कब जाता है? ये गर्भावस्था में बढ़ जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संतुलित आहार का प्रभाव बढ़ता है। संतुलित आहार का प्रभाव पड़ता है किस पड़ता है? स्वास्थ्य पे या फिर जलवायु पर, क्रियाशीलता पर या फिर ये सभी पर। संतुलित आहार का प्रभाव किस पर पड़ता है? देखो, स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा संतुलित आहार का प्रभाव, जलवायु पर भी पड़ेगा और क्रियाशीलता पर भी पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी यहां पर रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पोषक तत्व होते हैं कौन कौन से होते हैं? पहला देखा है कैलोरी, वसा, लोहा या फिर ये सभी। तो यहां पर कौन सा राइट होगा? तो पोषक तत्व हमें कौन से होते हैं? कैलोरी भी हो जाएगी, वसा भी हो जाएगी, लोहा भी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ये सभी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आहार में निम्न में से किसकी उपस्थिति आवश्यक है? आहार में निम्न में से किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है? तो नियासिन, कैल्शियम, लोहा लबड़ या फिर आयोडीन। तो किसकी होती है? बिल्कुल राइट,
आहार में निम्न में से किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है? तो भाई कौन सा हो जाएगा भाई, लोह लवण की उपस्थिति आवश्यक होती है। किसकी? लोह लवण की उपस्थिति आवश्यक होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, विटामिन सी की पूर्ति के लिए आहार है, विटामिन सी की जो पूर्ति है उसके लिए आहार कौन सा हो जाएगा? आयल, आंवला, टमाटर, नींबू या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, जितने खट्टे पदार्थ होते हैं सभी में क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, मनुष्य में वसा किस रूप में पाई जाती है? तेल में, यौगिक, गैस या फिर चर्बी? तो कह रहा है मनुष्य में वसा किस रूप में पाई जाती है, तो मनुष्य में जो वसा पाई जाती है वह चर्बी के रूप में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, विटामिन डी की प्राप्ति होती है किससे होती है? रोशनी से, सूर्य से, तारे से या फिर चंद्रमा से? तो विटामिन डी की प्राप्ति कहां होती है भाई? सूर्य से होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, कैल्शियम का अवशोषण कहां होता है? पेट में, छोटी आंत में या फिर उधर क्या है, पैनक्रियाज में या फिर दे रखा है तिल्ली में? तो कैल्शियम का अवशोषण जो होता है वह कहां होता है? तो अवशोषण कहां देखने को मिलता है हमें? छोटी आंत में देखने को मिलता है। तो कैल्शियम का भी अवशोषण कहां होगा? छोटी आंत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विटामिन सी की कमी से बच्चों में रोग होता है कौन सा होता है? बेरी बेरी, रतौंधी, स्कर्बी या फिर रिकेट्स? तो यहां पर कौन सा हो जाएगा राइट, विटामिन सी की कमी से बच्चों में रोग होता है तो कौन सा हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा स्कर्बी नामक रोग हो जाता है, जिससे क्या होते हैं दांतों में वगैरह मसूड़ों में खून निकलने लगता है। आगे दे रखा है तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किससे होता है? सी से, बी, सी से, डी से, ई से या फिर ए से? तो रतौंधी किससे हो जाएगा? विटामिन ए से हो जाएगा, रेटिनॉल से होता है। आगे बढ़ते हैं, देखा है विटामिन ई का, ई की कमी से रोग होता है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है आपको बताना है? रक्तस्राव, बांझपन या फिर हो जाता है हृदयाघात या फिर रतौंधी? तो विटामिन ई की कमी से कौन सा होता है? कार्बोक्सीलेज, है ना, कार्बोक्सीलेज से क्या होता है? बांझपन देखने को मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बच्चों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जो बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है वह किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर विटामिन ई? तो यहां पर कौन सा हो जाएगा राइट, तो बच्चों में जो रिकेट्स रोग होता है वो किस कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, देखा है शिशुओं में विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग है, शिशुओं में विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है आपको बताना है? बेरी बेरी, सूखा रोग, रक्त की कमी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भाई कौन सा हो जाएगा भाई? बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी1 की कमी से, कैसे कहते हैं रथ, है ना, थाइमीन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, याद रखा है सोयाबीन डैश का उत्तम स्रोत है, सोयाबीन जो है वो डैश का उत्तम स्रोत है। तो किसका उत्तम है? सोयाबीन में 40% क्या होता है? प्रोटीन होता है। सोयाबीन में कितना होता है? 40% प्रोटीन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? प्रोटीन का उच्चतम स्रोत हो जाएगा, ठीक है। इसके अनुसार एक और होता है, एक लाइकेन होता है, मतलब शैवाल जो होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है, कितनी होती है उसमें? 71-72% प्रोटीन होती है, वो दूसरा हो जाएगा, इसमें कोई नहीं दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रखा है विटामिन सी की कमी से डैश रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? अभी हमने देखा था स्कर्बी नामक रोग होता है। आगे दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 20, जब प्रोटीन डैश के साथ पाया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है, जब प्रोटीन डैश के साथ कहलाता है ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है, जब प्रोटीन जो होगा कार्बोज के साथ कहलाएगा, है ना, जब प्रोटीन कार्बोज के साथ पाया जाएगा तो क्या कहलाएगा भाई? ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा, ठीक, किसके साथ? कार्बोज के साथ। आगे बढ़ते हैं, देखा है मछली का तेल डैश का अच्छा स्रोत है, मछली का तेल डैश का अच्छा स्रोत है, तो किसका हो जाएगा भाई? विटामिन डी का अच्छा स्रोत आता है मछली का तेल। आगे देखिएगा, देखा है डैश शरीर पर सूर्य की किरणें पड़ने से विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है, कौन परिवर्तित हो जाता है यहां पर आपको बताना है? डैश शरीर पर सूर्य की किरणें पड़ने से विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है, तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो सूर्य की किरणें पड़ने से शरीर में विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट की कमी से घेंगा रोग होता है, तो घेंगा रोग किससे होता है? ये आयोडीन की कमी से होता है। राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शरीर को वसा से डैश कैलोरी ऊर्जा ग्राम मिलती है, शरीर को वसा से कितनी कैलोरी मिलती है आपको बताना है, ठीक है। प्रोटीन से कितनी मिलती है?
प्रोटीन से कितनी कैलोरी मिलती है, अगर प्रोटीन की बात कर लेता, अगर यहीं पर बात करते हैं प्रोटीन की बात करता, तो प्रोटीन से 4 कैलोरी, कितनी 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ देख रखा है बसा से कितनी होती है, तो बसा से कितनी होती है भाई 9 कैलोरी होती है, दोनों याद रखना है। आगे देखते हैं कैल्शियम की कमी से डैश रोग होता है, तो कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, ऑस्ट्रियो मलेशियस होता है, कौन सा, ऑस्ट्रियो मलेशियस होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रियो मलेशियस। आगे देखते हैं यहाँ दे रखा है शरीर में जल संतुलन हेतु डैश आवश्यक खनिज लवण है, शरीर में जल संतुलन हेतु डैश आवश्यक खनिज लवण कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा भाई सोडियम हो जाएगा, कौन हो जाएगा सोडियम हो जाएगा। आगे देखते हैं आंखों की सुरक्षा के लिए डैश आवश्यक है, आंखों की सुरक्षा के लिए क्या आवश्यक है, तो भाई विटामिन ए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आंतों की देखभाल हेतु बच्चों में डैश तत्व आवश्यक है, आंतों की देखभाल हेतु बच्चों में डैश तत्व आवश्यक है, कौन सा, तो जो आंतों की सॉरी दांतों की है, ठीक है मैं भी गड़बड़ पढ़ रहा हूं, दांतों की देखभाल हेतु बच्चों में डैश तत्व आवश्यक है, तो कौन सा भाई कैल्शियम हो जाता है, कौन सा कैल्शियम हो जाता है दांतों की, ठीक है आंतों की मैं गड़बड़ पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आंवला में डैश पोषक तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है, आंवला में डैश पोषक तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है भाई विटामिन सी पाया जाता है खट्टे पदार्थों में। आगे देखते हैं विटामिन ए का सर्वोत्तम साधन है, विटामिन ए का सर्वोत्तम साधन कौन सा हो जाएगा भाई, वह हो जाएगा मांस, विटामिन ए कहां से प्राप्त होता है, मांस से सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। आगे देखते हैं हृदयाघात डैश की अधिकता से होता है, हृदयाघात किससे होता है भाई बसा की अधिकता से होता है, क्योंकि हृदयाघात किसे कहते हैं उच्च रक्तचाप से कहते हैं, हमारी जो होती हैं कौन सी नसें वगैरह होती हैं धमनियां जो होती हैं उनमें क्या होता है कोलेस्ट्रॉल मतलब बसा क्या होती है जम जाती है, बसा क्या होती है जम जाती है, और इसकी पाइप क्या हो जाती है पतली हो जाती है, पाइप क्या हो जाती है पतली हो जाती है, और इसी द्वारा इसमें क्या होता है ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है, हृदय आघात हो जाता है, उच्च रक्तचाप हो जाता है, ठीक है बसा के कारण होता है। आगे देखते हैं रतौंधी डैश की कमी से होता है, रतौंधी किसकी कमी से होता है, तो भाई विटामिन ए की कमी से होता है। याद रखा है दालें डैश का सर्वोत्तम स्रोत होती हैं, तो दालें जो होती हैं उनमें क्या पाया जाता है सर्वोत्तम, तो वह पाया जाता है भाई प्रोटीन, क्या पाया जाएगा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एक प्रौढ़ महिला को डैश ग्राम प्रोटीन आवश्यक है, एक अगर प्रौढ़ महिला है तो उसके लिए कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है, तो वह हो जाती है भाई कितने 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं पीले रंग की सब्जियां, पीले रंग की सब्जियों तथा फल में डैश की अधिकता होती है, किसकी अधिकता होती है पीले रंग की सब्जियों तथा फलों में डैश की अधिकता होती है, तो वह होती है विटामिन ए की अधिकता होती है पीले रंग की सब्जियों में तथा फलों में। आगे आगे देखते हैं दे रखा है अंकुरण खाद्य पदार्थों में डैश की मात्रा बढ़ता है, ठीक है बढ़ाता है, जो अंकुरण होता है अगर कोई बीज को हम रख देंगे और अंकुरण हो जाएगा फिर उसे खाएंगे तो रखा है किसकी मात्रा उसमें बढ़ती है, किसकी बढ़ेगी थायोमीन की बढ़ती है, किस पदार्थ की मात्रा बढ़ती है थायोमीन की पदार्थ मात्रा बढ़ती है, ठीक है पदार्थ की मात्रा बढ़ती है। आगे रखा है सोडियम की प्राप्ति का सबसे सस्ता था उत्तम साधन डैश है, कौन सा है, तो भाई नमक हो जाता है ना, कौन सा हो जाएगा भाई नमक हो जाएगा। आगे देखते हैं पायसीकरण कौन सा है, पायसीकरण क्रिया डैश के पाचन में सहायक रहती है, मतलब करती है किस में सहायता करती है पायसीकरण, जो पायसीकरण क्रिया है वे किसके पाचन में सहायता करती है भाई बसा के पाचन में सहायता करती है, किसके बसा के पाचन में सहायता करती है। नेक्स्ट की बात करते हैं डैश द्वारा पैलाग्रा से बचा जा सकता है, किसके द्वारा पैलाग्रा मतलब जो होता है अपने कह सकते हैं ना जो फालिस वगैरह पड़ती है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, पोलियो वगैरह ना हो जाती है वो, तो डैश द्वारा पैलाग्रा नहीं पैलाग्रा ये होता ना हाँ यही होता है पैलाग्रा से बचा सकता है, तो किसके द्वारा नाइसिन के द्वारा, किसके नाइसिन के द्वारा पैलाग्रा से बचा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं देखा है लाइपेज डैश के पाचन में सहायक होता है, जो लाइपेज होता है वो डैश के पाचन में सहायक होता है, किसके बसा के पाचन में सहायक होता है, लाइपेज किसके पाचन में सहायक होता है लाइपेज बसा के पाचन में सहायक होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बसा। अब बढ़ते हैं यूनिट 4 की ओर, यूनिट 4 में क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 देखो, भोजन को पचाना चाहिए कैसा खोलकर भोजन, अरे मैं भी क्या पढ़ रहा हूँ सॉरी ठीक है, भोजन को पकाना चाहिए क्या, भोजन को पकाना चाहिए खोलकर ढककर उबालकर या फिर छानकर, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा राइट, भोजन को पकाकर पकाना चाहिए किससे जानते हैं खोलकर पकाना चाहिए ढककर उबालकर या फिर छानकर, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा भाई राइट, तो
तो भाई ढककर पकाना चाहिए, कैसे ढककर पकाना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, भोजन को गर्म करना चाहिए एक बार, पांच बार, दो बार या फिर तीन बार। तो भोजन को गर्म करना चाहिए कितनी बार, ओनली एक बार गर्म करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, हरी सब्जियों को काटना चाहिए, हरी सब्जियों को काटना चाहिए धोकर, सुखाकर, भिगोकर, इनमें से कोई नहीं। तो भाई क्या करोगे, धोकर काटना चाहिए, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है कि स्टूइंग, स्टूइंग विधि में कौन सा ताप उत्तम रहता है, जो स्टूइंग विधि होती है उसमें कौन सा ताप उत्तम रहता है, 150 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर अपना हो जाएगा 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, 170 डिग्री फ़ारेनहाइट, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल राइट, तो भाई हो जाएगा 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। आगे बढ़ते लिखा है, चावल द्वारा भोजन के दौरान पानी की अधिक मात्रा को फेंकने से हानि होती है, किसकी हानि होती है, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या फिर कैल्शियम की। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट, चावल द्वारा भोजन के दौरान पानी को अधिक मात्रा में फेंकने से जो हानि होती है वह होती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, किसकी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है चावल के अंदर। आगे बढ़ते हैं, याद रखा है, तुम्हारा पानी डैश पर उबलने लगता है, तो पानी जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलने लगता है, ठीक है। उसका क्वथनांक कितना होता है, पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 112 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे बढ़ते हैं, देखा है भुनना, क्या भुनना विधि से भुनना विधि से भोजन को सीधे ही डैश संपर्क में रखना भुना जाता है, क्या कह रहे हैं ये भी, भुनना विधि से भोजन को सीधे ही डैश के संपर्क में रखकर भुना जाता है। अच्छा, आग की लौ पर, ठीक है, आग की लौ पर भून रख देंगे तो भी भुन जाएगा, वही बात यहाँ पर कही जा रही है। आगे देखते हैं, घुलनशील प्रोटीन डैश और डैश में पाई जाती है, घुलनशील प्रोटीन जो होती है वो डैश और डैश में पाई जाती है, किसमें, घुलनशील प्रोटीन रक्त, दूध में पाई जाती है, रक्त में, प्लाज्मा में, अंडे की सफ़ेद जर्दी में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूध, रक्त, प्लाज्मा, अंडे की सफ़ेद जर्दी, ठीक है, या सफेदी कह सकते हैं। नेक्स्ट रखा है, भोजन को बाष्प द्वारा पकाने की डैश विधियां होती हैं, कितनी विधियां होती हैं भाई, भोजन को बाष्प द्वारा पकाने की डैश विधियां होती हैं दो विधियां होती हैं, कितनी, दो विधियां होती हैं। तो यूनिट हमने कहां तक देखा, यूनिट हमने देखा अभी तक फोर तक, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में पार्ट नंबर कौन सा होगा, पार्ट नंबर सेकेंड होगा, जिसमें हम क्या देखेंगे, यूनिट कितने से भाई, यूनिट जो होता है यूनिट देखेंगे 5 से लेकर कितना 8 तक, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों में, ठीक है, जो कि सभी लोगों को क्या हो भाई, प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, एक प्रकार से उनके लिए फायदा हो जाए, ठीक है। तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और फ्रेंड्स अगर इसकी आपको चाहिए पीडीएफ तो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, क्या है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक होम साइंस का, वहां पर जाके आप टिक कीजिएगा, डायरेक्टली आप पहुंच जाओगे कहां पर, इसकी पीडीएफ पर, ठीक है, वहां से आप डाउनलोड इसे कर सकते हैं। लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिन लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करना है उन्हें पीडीएफ डाउनलोड करना है, ठीक है, और जिन लोगों को पढ़ना है उन्हें पढ़ना है। जय हिंद, जय भारत।